ख्वाबों से मेरे, ये क्या राज है। गाइज सबसे पहले आप सभी को एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। गाइज आपको उसके बाद क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करके 9:16 रेशियो आप यहां पर इस तरह अपना कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक मैं आपको समझाता हूं यहां पर, यानी कि आपको जिस भी इमेज पर आप वीडियोस बना रहे हो अपना वो वाला इमेज 9:16 रेशियो कर सकते हो आप। जैसे कि आपकी ये वाला इमेज है तो आपका इमेज कुछ इस तरह रहेगा, तो 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पर कर लेना, शेयर पर क्लिक करके करंट फ्रेम एज ए पीएनजी, देन एक्सपोर्ट, देन आप इसे एक्सपोर्ट कर लेना, कुल आप 3 से 4 कर लेना और आपको 2 इमेजेस 1:1 रेशियो कर लेना होगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, सेटिंग पे क्लिक करके 1:1 रेशियो हो गया और आपका यहाँ पर इस तरह 2 इमेजेस क्रिएट कर लेना, यानी कि ये वाला रेशियो का मॉडल का पिक मिडल पे कर लेना इस तरह और शेयर पे क्लिक करके करंट फ्रेम एज ए पीएनजी, देन एक्सपोर्ट कर लेना। तो ये वाला प्रोजेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब गाइज आपको ना डिस्क्रिप्शन पे एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसका नेम रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पर, स्पॉटिफाई 3D लिरिक्स बाय टेक्निकल सोहेल। और गाइज आपको इसका XML एंड प्रीसेट फाइल दोनों का ही लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। और आप में आप कमेंट पे बताना आप कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हो, XML या प्रीसेट। मैं रिकमेंड करूँगा प्रीसेट को ज़्यादा यूज़ करो अगर आप मेरा वाला एलाइट मोशन यूज़ कर रहे हो तो। बाय द वे एलाइट मोशन का लिंक लेटेस्ट वाला मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर। और यहाँ पर गाइज आप अपने वो वाला प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, आपको यहाँ पर सारे चीज़ देखने को मिलता है, यानी कि लेयर सब, जिन भी लेयर्स पे आपको काम करना है यहाँ पर क्या करना है वो मैं बताऊंगा। बट आप अभी यहाँ पर देखते रहो, यहाँ पर देख रहे हो ना आपका ये जो लेयर है ये, तो यहाँ पर मैं ये एक्सटेंड कर देता हूँ इसे पहले। अब गाइज आप देखो यहाँ पर सारा चीज़ आपको दिया हुआ है, अभी आपको सिंपली देखना होगा वीडियो को ध्यान से। आपको सबसे पहले ये जो डाउन पे लेयर है ना, इस यानी कि सबसे एंड पे, स्टार्टिंग का सबसे एंड पे, इस पर क्लिक करना होगा, कलर एंड फिल पे जाना होगा, रिप्लेस पे क्लिक करना होगा। गाइज आप अभी जो भी इमेजेस बनाए यानी कि 9:16 रेशियो का, उन सारे इमेज में से कोई भी एक 9:16 रेशियो वाला इमेज चूज़ कर लो। चूज़ करने के साथ ही साथ आप देख सकते हो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। देन टेक्निकल सोहेल जो ये ग्रुप है इसका एडिट ग्रुप पे क्लिक करना होगा आपको, और यहाँ पर CD PNG है इस पर क्लिक करना होगा, कलर एंड फिल रिप्लेस। और भाई ये जो आपका CD है, ये सारे चीज़ का लिंक आपको वेबसाइट के अंदर मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर लेना वेबसाइट के अंदर, ऑल मटेरियल्स लिंक वेबसाइट के अंदर है। सो यहाँ पर आपको ये वाला को चूज़ करना होगा जो कि है CD PNG लिंक। अभी देख सकते हो आपका ये CD PNG आ चुका है। अब यहाँ पर गाइज आपको टेक्निकल सोहेल पे क्लिक करना होगा, आपके यहाँ पर प्रोफाइल यानी कि आपको 1:1 रेशियो का जो भी इमेजेस आप बनाए हो वो चूज़ कर लेना, मैं यहाँ पर ये वाला चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर देखो भाई ये भी आपका हो चुका है। अब स्पॉटिफाई जो PNG आप नहीं यूज़ किए हो ये वाला चूज़ कर लेना, स्पॉटिफाई का PNG। इसके अंदर आपको एक इफेक्ट्स मिलता है जो कि है सॉलिड कलर, आप इस कलर को ऑप्शन पर क्लिक करके रेड करोगे तो आपका रेड हो जाएगा, ग्रीन करोगे तो, जो भी कलर में करना है आप यहाँ पर इस तरह कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये एक जो कलर है स्पॉटिफाई का, यहाँ पर आप ये स्पॉटिफाई PNG पे क्लिक करना, सॉलिड कलर पे जाना और इसे ग्रीन कर लेना, ग्रीन करने से कुछ अच्छा लगता है इस तरह देखने में। अब यहाँ पर भाई देखो आपका ये सारा हो गया। अब यहाँ पर इसके अंदर आपको एंड पे ये जो स्ट्रिप्स आ रहा है ना, ये गॉसियन वाला स्ट्रिप्स, ये भी आपको सही लगता है देखने में। और गाइज अब आपको यहाँ पर देखना ये जो आपका एंड हो जा रहा है, तो ये आप एक्सटेंड कर लेना एंड तक थोड़ा इस तरह, और फोटो को भी एक्सटेंड कर लेना इस तरह एंड तक। अब भाई यहाँ पर देखो ये जो आपका टेक्निकल सोहेल ग्रुप है इसके अंदर एडिट ग्रुप पे जाना, इसके अंदर जो भी आपका टेक्स्ट है ना वो ये वाला प्रॉम्प्ट सेमी बोल्ड फॉन्ट पे रहता है, तो आप यहाँ पर देख लेना ये फॉन्ट इनबिल्ट ऑलरेडी इसके अंदर रहता है लाइट मोशन के अंदर। बाय द वे लिंक फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा आपको। अब यहाँ पर गाइज आप देखो ये आपका हो चुका इतना, अब यहाँ पर ये आपका ग्रुप भी हो चुका, अब यहाँ पर यानी कि आपका ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना ये नीचे से एंड हो रहा है और ये आपका ये जो देख रहे हो आपका ये एक्स्ट्रा पार्ट निकल गया है, तो यहाँ पर आप टाइम का ऑप्शन पे जाके घटा लेना है यहाँ पर, तो ये आपका इसके बाद यहाँ से इस तरह स्टार्ट होगा ये देखो। तो यहाँ पर आपने कट कर दिया, इस ग्रुप एक्स्ट्रा हो जाता है तो आपको यहाँ पर कट करना होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको मैं दिखाता हूँ ये जो टेक्निकल सोहेल ग्रुप है इस पर क्लिक करना होगा, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये जो आपका पहला लेयर है, अब यहाँ पर देखो ये आपका है, तो इस पर क्लिक करना होगा आपको ये टेक्निकल सोहेल ग्रुप पे।
और यहाँ पर इस पे इसके अंदर आप देख सकते हो आपको सारे टेक्निकल ग्रुप्स के अंदर आप यहाँ पर ये सब मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये है एक, तो आपको ये सब कुछ छिड़कानी नहीं करना है। हाँ आप एक कर सकते हो जो कि मैं बताता हूँ आपको, ये जो टेक्निकल सोहेल है इसके अंदर आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो लिरिक्स मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर स्पॉटिफाई का लोगो मिल जाता है और लोगो आप यहाँ पर रिप्लेस करा सकते हो। जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पर लोगो आपको इसके अंदर, तो ये लोगो को आप रिप्लेस करा सकते हो और स्पॉटिफाई को भी यहाँ पर टेक्स्ट। और यहाँ पर भाई ये देखो ये आपका ग्रुप रहा, इस ग्रुप के अंदर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको जो कि है लिरिक्स। अब लिरिक्स आप देख लेना यहाँ पर सही तरीके से है, इसके अंदर भी सेम वही वाला फॉन्ट लगा हुआ है, आप यहाँ पर ये वाला फॉन्ट यूज़ कर सकते हो और इसके अंदर लिरिक्स भी ऑलरेडी दिया गया है। तो ये जो आपका योर प्रोफाइल है इस पर क्लिक करना होगा, कलर इन फील्ड पे जाना होगा और आप अपना कोई सा भी प्रोफाइल इमेज यूज़ कर सकते हो जो कि स्क्वायर साइज पे होना चाहिए, ना 1:1 रेशियो का। अब यहाँ पर इसके अंदर सारे लेयर्स आप काम कर चुके ऑल राइट। अब ये जो ग्रुप है ना ये छोटा हो जाता है, एक्सटेंड कर लेना होगा अगेन। और यहाँ पर देखना तू जो मिल गया हो गया काबिल, ये जो है ये आपका यहाँ पर सही तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा। तो ये ग्रुप को भी एडिट करने के बाद आपको नीचे की तरफ तीन लेयर्स मिलते हैं, इन तीनों लेयर्स पे कलर एंड फिल पे जाना होगा, रिप्लेस पे जाना होगा। और भाई आप अपना स्क्वायर साइज का इमेज यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, बट हाँ वो कुछ स्ट्रेच हो जाता है, तो आप यहाँ पर स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया पर क्लिक करोगे तो वो और थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करना होगा इससे सेट जैसा आपको परफेक्ट रहे। बाय द वे मैं यहाँ पर ये नहीं करता हूँ, हाँ आप एक चीज़ कर सकते हो जो कि है इसका रेशियो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं ये वाला फ़ोटोज़ को यूज़ करता हूँ, तो ये देख रहे हो ना ये फ़ोटोज़ का रेशियो कुछ इस तरह है। तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, इसे आप यहाँ पर ये कर सकते हो 9:16 रेशियो का फ़ोटो सब यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपने स्टार्टिंग टाइम पर किया। तो यहाँ पर ये जो लेयर है इन लेयर पर क्लिक करना होगा, कलर एंड फील पर रिप्लेस पर जाना होगा और आपने जो 9:16 रेशियो का इमेजेस बनाया उनमें से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बाय द वे तो यहाँ पर मैं ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, पहले जब भी आप सिलेक्ट करोगे कुछ इस तरह देखने को मिल देगा, हाँ 9:16 रेशियो का ही करना। अब नेक्स्ट वाला लेयर पे क्लिक करके कलर एंड फिल रिप्लेस, और सेम उसी तरह आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मैंने ये वाला यूज़ किया, सेम उसी तरह आप नेक्स्ट वाला लेयर पर भी कलर एंड फिल रिप्लेस और ये वाला यूज़ कर सकते हो। बाय द वे आप कर सकते हो ये वाला, वरना आपको ढेर सारे और भी इमेजेस मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये थोड़ा रोटेट टाइप पे, इसीलिए आप अपना देख लेना, सही लगेगा तो कर लेना, अगर सही नहीं लगेगा तो देख लेना। तो ये इस तरह आप कर सकते हो। तो इन सारे लेयर सब पे आप अपना जो भी ये फोटो सब रिप्लेस करने के बाद आपका कुछ वीडियोस इस टाइप से बन जाएगा। और आपको मैं जैसे कि रेशियो सब भी बता दिया, तो इस तरह आप बना सकते हो ये वाला वीडियोस। शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो, मैं थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। I'm